हेलो फ्रेंड्स, एक शानदार कंपनी और एक शानदार ग्रुप से आती है। कंपनी का नाम है बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी के बारे में हम सब जानते हैं। ये एक इलेक्ट्रिकल सेक्टर की जानी मानी कंपनी है। इनके जो वाटर केटल्स है, मिक्सर्स है, फैंस है, आयरन्स है, प्रेस जो होती है, उसके अलावा भी काफ़ी किचन अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस, इससे सब काम करती है। इलेक्ट्रिकल सेगमेंट के काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं इनके, जो हर घर घर में देखने को मिलते हैं हमें। इसका आज का क्लोजिंग था 1110 रुपये, और इसका 52 वीक हाई था 1590 1590 का हाई था 52 वीक हाई। तो हमें करीब करीब 50-60% डिस्काउंट पे कंपनी अभी मिल रही है। आइए इसके फंडामेंटल जान लेते हैं। इसका पी है 68 का, जो कि ज़्यादा है। और जैसे कि मैंने बताया कि दोस्तों, जो ब्रांडेड कंपनियाँ होती है उनका पी थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है हमें, क्योंकि शेयर काफ़ी अच्छे चलते हैं इनके। और इसका EPS है 16 का, जो कि ठीक ठाक है आज के रेट के हिसाब से। डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.35, जो कि काफ़ी कम डेट है कंपनी पे, वो भी एक पॉजिटिव बात है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 63% है प्रोमोटर के पास। FII के पास है 13%, जो कि काफ़ी स्ट्रांग है, और DII के पास है 11%, वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। दोस्तों, मैं आपको ये कंपनी इसलिए बता रहा हूँ कि इसका क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है 12th of November को, और इसका सितंबर 2020 का और जून 2021 का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया था कोविड के चलते, और ये क्वार्टर रिजल्ट शानदार आने की उम्मीद है। तो इसको आप अभी बाय कर लीजिए, क्योंकि आपने ओरिएंट इलेक्ट्रिकल का भी देखा था, जो क्वार्टर रिजल्ट आया था काफ़ी अच्छा आया था, और उसके बाद वो शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी। वैसी कहानी होने वाली है बजाज इलेक्ट्रिकल की। तो आप कल इसको बाय कर लीजिए। 12 तारीख को इसका क्वार्टर रिजल्ट है, वो अच्छा आने के बाद ये शेयर आपको काफ़ी नई ऊँचाइयाँ देखने को दिखा सकता है, और आपको 2-3 महीने में हो सकता है कि 50% का भी प्रॉफिट दे दे। तो जरूर कंसीडर कीजिए बजाज इलेक्ट्रिकल्स को आपको पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय। थैंक यू।